मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित विधानसभा के बाहर नमाज पढ़ने का दावा करने वाली महिला उज्मा परवीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल उज्मा परवीन ने नमाज अदा करते हुए फोटो ट्वीट करते हुए ये लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ विधानसभा के सामने असर की नमाज अदा की, जो कहते हैं कि हमारी नमाज पर पाबंदी लगा देंगे, हम भी अपनी हिंदुस्तान की हर सरजमीन पर नमाज पढ़कर दिखा देंगे। हमारा देश आज़ाद है, मुझे आज़ादी से नमाज पढ़ने का अधिकार है। और इस ट्वीट के बाद पुलिस के उच्च अधिकारी इस मामले की जांच में लग गए और जांच में पता चला कि नमाज पढ़ने की फोटो विधानसभा के बाहर की नहीं बल्कि मेट्रो स्टेशन के बाहर की है। पुलिस का कहना है कि उज्मा परवीन सोशल मीडिया में गलत जानकारी देकर सनसनी फैला दी। उज्मा के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देना और सार्वजनिक मार्ग पर बाधा उत्पन्न करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं उज्मा परवीन ने दोबारा ट्वीट करते हुए लिखा है कि नमाज पढ़ने को लेकर उनके ऊपर 5 धाराएं लग चुकी हैं, अगर मेरे ऊपर 500 धाराएं लगाएंगे तब भी मैं अपनी आज़ाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने धर्म को फॉलो करती रहूँगी। अस्सलामु अलैकुम, सभी लोगों को मेरा सलाम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने नमाज जो पढ़ी थी तो उसके लिए मुकदमा लग चुका है, 5 धाराएं मेरे ऊपर लग चुकी हैं। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मैं धाराओं से डरती नहीं हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपने धर्म को फॉलो किया है और मुझे मेरा संविधान, मेरा कानून, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि मैं अपने धर्म को फॉलो करूं और मुझे अपने धर्म को फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता। और जो ये बदला लिया गया है, ये मुरादाबाद का बदला लिया गया है, मैं जानती हूँ, पर मैं डरती नहीं हूँ किसी से और मैं इसी तरह अपने धर्म को फॉलो करूँगी। और रही बात धाराओं की, तो आप जितनी भी धाराएँ लगाएं, मैं धाराओं से डरने वाली नहीं हूँ और मैं एक अपने संविधान के दायरे में रहकर, अपने कानून के दायरे में रहकर हर काम करती हूँ। शुक्रिया। आपको बता दें कि उज्मा परवीन CAA के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान मुख्य चेहरा रही और इसके बाद MIM पार्टी में विधानसभा चुनाव के दौरान शामिल हो गई थी। कानपुर से असदुद्दीन ओवैसी ने उज्मा को सदस्यता दिलाई थी।